हाँ जी स्टूडेंट, आई सोनिया अरोड़ा वेलकम यू ऑल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन जिस असी करन जा रहे हाँ एडजेक्टिव केड़ा टॉपिक एडजेक्टिव फुल फ्लैज जीरो टू बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आप इस टॉपिक नू फिनिश करांगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, बार बार ऑर्डर कह लो या रिक्वेस्ट कर लो कि जो भी कराया जाए उसनों अच्छी तरह केयरफुली दो तो तीन वारी करो रीडिंग। उस तो बाद जिहड़ी भी तुहानू प्रैक्टिस शीट दित्ती जांदी है उहनू बहुत अच्छी तरह दो वारी प्रैक्टिस करो। क्लीयर, हर एक शीट नू दो बार प्रैक्टिस करो, एक वारी सोल्यूशन करो, दैन आंसर की मैच करो, फिर अपने डाउट्स तुसी फॉरवर्ड करो केड़े नंबर ते, व्हाट्सएप नंबर 7504466660 इस नंबर ते की कर दो, तुसी अपना डाउट व्हाट्सएप करो या फिर कॉल कर लो, ठीक है। एंड उस तो बाद जिहड़ी भी शीट है उहनू दो वारी तुसी रीडिंग जरूर करनी है, बिकॉज इन्हां शीट्स विचों ही तुहानू इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम च देखण नू मिलणगे। इन्हों तो बार तुहानू कुछ नहीं आऊगा, इन्ना अपने दिमाग से तुसी पूरा फिट कर लो। तुहानू ए वाली शीट्स प्रैक्टिस करन दी इस कोर्स के अंदर जो भी तुहानू कंटेंट मिलेगा, जो भी काम मिलेगा, प्रैक्टिस शीट्स जिन्ने भी एमसीक्यूज मिलेंगे वो साढ़े लिए मोर दैन सफिशेंट है। जे तुसी इन्हों शीट्स नू ही रिवाइज कर लोगे अच्छी तरह तो एग्जाम विच डेफिनेटली इदां दे ही क्वेश्चन मिलेंगे, तुहानू सॉल्व करने बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हाँ अज का सैशन। चलो ये जिन्हें वर्ड सानू इतने दिख रहे हैं स्क्रीन पर यह सारे के सारे एडजेक्टिव ने। बिटर हो गया, कड़वा हो गया, कडली हो गया, डिफेंडिंग हो गया, इंडिगो हो गया, स्पार्स का हो गया, गंजा, ठीक है, गंजा दिख रहा है सानू, नैरो हो गया, ओल्ड हो गया, रैपिड हो गया, रैपिड मतलब तेज हुंदा है, एदां दे वर्ड्स। ये सारे के सारे वर्ड्स की ने एडजेक्टिव ने, जिहड़े वर्ड्स दसदे ने विशेषता। हुण कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आई एन जी वाला वर्ड एडजेक्टिव किवें हो सकता है। आई एन जी वाला वर्ड तो वर्ब हुंदा है, प्लेइंग, डिफेंडिंग, ठीक है, जो भी है। बट चलो शुरू करते हाँ अज का सैशन। अगर गल करिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वो वाले वर्ड्स जिहड़े सानू दसदे ने विशेषता। एडजेक्टिव वो वाले वर्ड्स जिहड़े सानू दसदे ने विशेषता। एंड विशेषता किस चीज़ की हुंदी है? विशेषता हमेशा चीज़ां की हुंदी है। तुसी अपने माइंड च कोई भी एक चीज़ सोच लो जिहड़ी तुहानू सामने दिखाई दे रही है, कोई भी एक चीज़ जो तुहानू सामने दिखाई दे रही है उहनू तुसी अपने माइंड च सोच लो। क्लीयर, ओके, डन है, सोच लिया जी। कोई भी एक चीज़ तुहाडे कमरे च, तुहाडे घर च, तुहानू जो भी दिखाई दे रहा है, सपोज करो चलो तुहानू दिखाई दे रही है सामने दीवार, तुहानू दिखाई दे रही है सामने दीवार, मैनू दिखाई दे रहा है कैमरा, ठीक है। तो मैं जी कैमरा सोच लिया, मैं ये मार्कर सोच लिया, ठीक है। जिहड़ी ये चीज़ आप सोची उन्दे बारे असी एक बारी होर सोचना है, एक बारी होर उस चीज़ बारे एक बारी होर सोच लो। सपोज करो मैंने सोचा कैमरा, हुण मैं सोच लिया कैमरा है, ठीक है, महंगा कैमरा है, 4K कैमरा है, ब्लैक कैमरा है, न्यू कैमरा है, मार्कर ब्लैक है, स्लीक है, पतला है, न्यू है, ठीक है। तो मतलब चीज़ एक रहेगी, जो उन्दे बारे तुसी एक स्टेप होर अगे सोचते जाओगे वो चीज़ की बनती जाएगी, उसका एडजेक्टिव, उसका विशेषण। क्लीयर, हुण अगर असी गल करिए बॉय, बॉय इन्ना श्योर करो कि जेड़ी कोई चीज़ है, सपोज करो आपा कहता जी एसी, आपा कहता जी पेन, ये कोई भी एक चीज़ है, यानी कि नाउन है, नाउन है, ये सारे सारे हो गए नाउन। क्लीयर, इन्हां बारे जो एक कदम होर सोचांगे तो वह सारे के सारे वर्ड्स की बनते जाएंगे, एडजेक्टिव बनते जाएंगे। किदां, मैं कहता जी बॉय, केड़ा बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, केड़ा बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। एसी, केड़ा एसी, आप देख लेने केड़ा एसी लग्या होया, आप कहने जी हिताची का एसी है। क्लीयर, ठीक है, चलो आप कहता पेन, केड़ा पेन है जी, ब्लैक पेन है। तो मतलब की हो गया जी, ये सारिया चीज़ा एक ही रहनगिया, नाउन एक ही रहेगा, बट इन्हों बारे जिहड़ी चीज़ सानू अगे एक स्टैप दसेगी वो सारे दे सारे वर्ड्स की बनते जाएंगे, उनका विशेषण, उनकी विशेषता, यानी कि एडजेक्टिव्स बनते जाएंगे। इज इट क्लीयर? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन की चीज़ा की विशेषता दसते हैं। एडजेक्टिव की दसते ने, एडजेक्टिव्स टेल अबाउट नाउन, एक नाम की विशेषता कौन दसता है? विशेषण दसता है। नाम की विशेषता कौन दसता है? एक विशेषण दसता है। कि अगर कहता जी ड्रेस, फिर आप कहता जी इतने रेड ड्रेस, तो ड्रेस किसी चीज का नाम हो गया, यह हो गया नाउन।
ये बन गया जी उनकी विशेषता यानी कि एडजेक्टिव। क्लियर। चलो एक होर देख लें, आप बोलिया जी होर्स। होर्स एक नाउन हो गया, किसी भी एनिमल, किसी भी परसन, किसी भी थां दे नाम नूं नाउन कहा जाता है। आपा कहता जी होर्स। हुण आपा इत्थे लिखता जी सपोज करो वाइट होर्स, चिट्टा घोड़ा। चिट्टे घोड़े बहुत महंगे होंगे, चिट्टा घोड़ा उनकी विशेषता होगी। दोबारा एक वर्ड होर लिखा, आपा कहता जी होर्स, बट केड़ा होर्स? रनिंग होर्स। रनिंग होर्स मतलब दौड़दा होया घोड़ा। देखो गल असी विशेषता की होर्स की, केड़ा होर्स? वाइट होर्स। फिर असी विशेषता गल की, केड़ा घोड़ा? दौड़दा होया घोड़ा। मतलब गल की बनी विशेषण, जेड़ा वर्ड नाउन तो पहला आके उनकी की दस देगा सानू, विशेषता दस देगा, वो वर्ड की बन जाएगा डेफिनेटली, उनका की बन जूगा एडजेक्टिव। केड़ा बन जाएगा? एडजेक्टिव। हुण तुहाडे लिए मतलब नहीं है कि पिछे आई एन जी लग गया, यह वर्ड हुण विशेषण किवें बन गया, इहनू वी असीं पूरी डिटेल च करांगे। देखो सिंपल जी गल है, नाउन दे पहला आके जेड़ा भी वर्ड उनकी विशेषता दसदा जाएगा उन्हों की कहोंगे असी, उनका एडजेक्टिव कहोंगे। हुण इह वर्ब नहीं है, कई स्टूडेंट लगता है रन रैन रनिंग, रन रैन रन रनिंग, जेड़े वर्ड नाल आई एन जी लगाता वह वर्ब बन जाता, किरिया बन जाता है। बट नहीं, इत्थे तुसीं इन्ना समझो नाउन तो पहला उनकी आके विशेषता दसण वाले वर्ड नूं की किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव किया जाता है। वह कोई भी किदां दा भी वर्ड हो सकता है, किदां दा भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, चलो अगर मैं लिखता जी इत्थे सपोज करो बर्ड्स, बर्ड्स हो गए पंछी। फिर आप क्या जी फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स उड़ रहे बर्ड्स। तो बर्ड्स की विशेषता केड़े बर्ड्स? उड़ रहे बर्ड। जो असी कहता केड़ा किवें किथे क्यों, वह सारे के सारे वर्ड्स नाउन की विशेषता दसेंगे। सो एडजेक्टिव ऑलवेज टेल अबाउट अ नाउन, एक नाउन की विशेषता दसता है। अगर नाउन की दस दिया तो प्रनाउन की तो दसूगा ही दसूगा, क्यों? नाउन की जगह पर असं की यूज कर लें प्रनाउन, नाउन की जगह पर असं कई बार पड़नाव यूज कर लें। सो अगर नाम बारे दस रहे तो पड़नाव बारे तो अपने आप उनकी विशेषता दसूगा ही दसूगा। इज इट क्लीयर? चलो नैक्सट आ जाओ। अगर गल करिए एडजेक्टिव की टाइप्स की, देर आर सैवन टाइप्स जी इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रखा सिर्फ समझा। नंबर वन, सब तो पहला जी क्वालिटी, सब तो पहला जी क्वालिटी, जेडे वर्ड्स विशेषता दसते हैं क्वालिटी बारे। हमने आप गल की जिमें ब्लैक मार्कर, ठीक है, वाइट होर्स, वाइट होर्स, ब्लैक मार्कर, इंटेलीजेंट बॉय, ये सारे वर्ड की दसते हैं किसी की अच्छाई या बुराई दसते हैं, या रंग रूप दसते हैं। ठीक है, नैक्सट दो नंबर से की होया जी नंबर, ये वर्ड सानू नंबरिंग दसते हैं। आपने कहता कि होर्स या फिर पेन, मैं कहा जी पेन, बट फिर मैं क्या मेरे को दो पेन्स है, तो आप की किता पेन हो गया किसी चीज़ का नाम नाउन। उनके तो पहला आके जरा टू वर्ड है, टू वर्ड एक ही काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। केड़ा एडजेक्टिव? केड़ा एडजेक्टिव? ये बन गया जी नंबर, क्यों? क्योंकि काउंटिंग दस रहे, नंबर वाले एडजेक्टिव की दसते हैं सानू काउंटिंग, गिनती दसते हैं। ठीक है, क्लियर? केड़े वर्ड्स हो गए जिमें हो गया वन टू थ्री मैनी फ्यू, इन्हों वर्ड नूं असीं बहुत चंगी तरह अगे डिटेल च करांगे। थर्ड नंबर की हो गया, असीं गल करते हाँ मेजरमेंट की, ये नंबर हो गया, ये गल करते जी क्वांटिटी मात्रा की, कि कोई चीज़ किन्ना कु है, ये गिनती दसते हैं, ये मिनती दसते हैं, क्वांटिटी किन्नी की क्वांटिटी। देखो अगर कहता जी, मैं कहता जी बहुत सारा, दो किलो, पाँच किलो राइस, फाइव के जी राइस, तो वर्ड्स की बनते जाएंगे, वो विशेषण बनते जाएंगे। केड़े वर्ड्स आते हैं क्वांटिटी च? एनफ, सम, लिटल। ये सारे दे सारे वर्ड्स की बन जाएंगे मिनती दसने वाले बन जाएंगे, कोई चीज किन्ना कु है उन्हें गिन नहीं सकते आप। दिस वन इज फोर नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ नंबर तुसी याद रखना ही रखना, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेजर कंसेप्ट। क्लियर? वन ऑफ द मेजर कंसेप्ट्स इन इंग्लिश ग्रामर, अगर इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स में इसका रोल रहेगा। सो इन्हें याद जरूर रखना है। फोर्थ नंबर टाइप कौन सी एडजेक्टिव की? दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। केड़े एडजेक्टिव? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें तुसी याद रखना है, बाकी किसी ने याद नहीं रखना। ठीक है, बाकी आप वैसे ही समझ लेंगे। देखो जी पोजेसिव एडजेक्टिव्स केड़े वर्ड्स होंगे, अगर मैं बोला जेड़े वर्ड्स
ਸਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਮਾਰਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਕਲਾਸ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੱਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਾਏ ਹਿਸ ਹਰ ਯੂਅਰ ਦੇਅਰ ਆਰ ਇਟਸ ਇਹ ਸੱਤ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸੱਤ ਵਰਡ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਹਿਸ ਹਰ ਯੂਅਰ ਦੇਅਰ ਆਰ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਵ ਨੰਬਰ ਫਾਈਵ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮਾਰਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਰਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਰਕਰ ਦਿਸ ਮਾਰਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਊਨ ਨਾਊਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਨਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ ਅਜੈਕਟਿਵ ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਰ ਦਿਸ ਮਾਰਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਿਵ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਸ ਦੈਟ ਦੀਸ ਦੋਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਸੱਚ ਮਾਰਕਰ ਮਤਲਬ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਤੀ ਸੱਚ ਵਰਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਨਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਜੈਕਟਿਵ ਬਣਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਿਕਸ ਨੰਬਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੁਆਏ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਈਚ ਬੁਆਏ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਏਗਾ ਈਚ ਬੁਆਏ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਈਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਈਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਾਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਲਕ ਮਿਲਕ ਨਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਹਾਊ ਮੱਚ ਮਿਲਕ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਿਲਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਹਾਊ ਮੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹਾਊ ਮੱਚ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇਹ ਵਰਡਸ ਕੀ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਪੋਜੈਸਿਵ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਸਾਰੇ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਮੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁੱਡ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਮੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਟੀ ਪ੍ਰੈਟੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਟੀ ਹੋਣਾ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਟੀ
एंड मोस्ट प्रेटी प्रेटी दी होल्डिंग भी की बन सकती है प्रेटी प्रेटियर एंड प्रेटियस्ट क्लियर ठीक है सो कुछ डिग्रीज असी ईआर ईएसटी लगा के बनाने हैं कुछ डिग्रीज असी मोर मोस्ट लगा के बनाने हैं एंड कुछ डिग्री असी आईआर आईएसटी लगा के बनाने हैं और कुछ ऐदा दी डिग्रीज होंगी है जी असी दोनों तरीकों बना सकते हैं चाहे मोर मोस्ट लगा के बना लो चाहे आईआर आईएसटी लगा के बना लो क्योंकि इनका अगे एक रूल आएगा इस करके तुम्हें दसे है ठीक है कुछ डिग्रीज ईआर ईएसटी कुछ डिग्री मोर मोस्ट कुछ डिग्री दोनों तरीके नाल बन जाती है क्लियर चलो हुण करदे हां असी रूल रूल नंबर वन रूल नंबर वन क्लियर मैंने लिखता जी राम इज अ फार्मर राम इज अ फार्मर राम इज अ सॉरी राम इज अ गुड फार्मर हुण तुसीं इह दसो कि इस सेंटेंस विच इस सेंटेंस विच केड़ा वर्ड विशेषता दस रहा है केड़ा वर्ड विशेषण है डिग्री के लिए राम इज बेटर देन श्याम राम इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास हुण की कीता सी जी चेक करो पहली डिग्री दूजी डिग्री तीजी डिग्री गुड बैटर बेस्ट जिहड़ी फर्स्ट डिग्री हुंदी है वह हमेशा अगर तुसीं किसी नाल कंपैरिजन नहीं करना चाहते हो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई करने लिए कई डिग्री यूज करते हैं फर्स्ट डिग्री दो का कंपैरिजन करने वास्ते एक का कंपैरिजन दूजे नाल करने वास्ते कई डिग्री हमेशा सैकेंड डिग्री सैकेंड डिग्री नाल हमेशा की लगता है दैन केड़े वाला दैन टी एच ए एन वाला दैन केड़ा दैन टी एच ए एन वाला दैन ठीक है थर्ड डिग्री राम इज द बेस्ट बॉय इन आर क्लास ठीक है तो असी गल कर रहे हाँ राम बेस्ट बॉय है साड़ी क्लास का सारे क्लास के बॉयज नाल असी कंपैरिजन करता किंदा राम का जो एक का कंपैरिजन असी ज़्यादा नाल करना चाहते हाँ हमेशा डिग्री दें थर्ड तो थर्ड डिग्री तो पहला हमेशा केड़ा आर्टिकल द आर्टिकल तीनों रूल्स क्लीयर पहली डिग्री इकली आएगी दूजी डिग्री के नाल हमेशा दैन आऊगा टी एच ए एन वाला दैन आऊगा ई एन वाला नहीं आऊगा जोड़ा ई एन वाला दैन होंगे है इन्हें मतलब होंगे उदो उदो जे तू जो तू आएगा उदो मैं जाऊँगा जे तू कहेगा तो मैं तेरी हेल्प करूँगा ठीक है तो थर्ड डिग्री तो पहला हमेशा की लगाना है द आर्टिकल लगाने लगाने तीन बेसिक रूल क्लीयर ठीक है चलो नैक्सट वन फोर्थ नंबर रूल Ram is my the best friend in this class. Ram मेरा सब तो पक्का मित्र है इस पूरी क्लास चो पूरी क्लास दे बॉयज नालों कंपैरिजन करता आपां कीता राम की लगाया आपां जी थर्ड डिग्री एंड थर्ड डिग्री तो पहला की लगाता सी जी द आर्टिकल थर्ड डिग्री तो पहला की लगाता सी जी द आर्टिकल ठीक है चलो देखते हैं की तुम सेंटेंस जच रहा है राम इज माई द बेस्ट फ्रेंड राम इज माई द बेस्ट फ्रेंड की सेंटेंस ठीक है अगर मैं गल करा जच नहीं रहा कई स्टूडेंट ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस ठीक नहीं है आप बचपन तो यह सीखा सी राम इज माई बेस्ट फ्रेंड राम मेरा सब तो पक्का मित्र है पर इतने कुछ जच नहीं गया इनका रीजन की है रीजन देखो जदों साडे सेंटेंस पोजेसिव ऑब्जेक्टिव्स जदों साडे सेंटेंस पोजेसिव ऑब्जेक्टिव्स केड़े वर्ड्स माय हिज हर यूअर देयर आर इट्स केड़े वर्ड्स माय हिज हर यूअर देयर आर इट्स ये सारे वर्ड्स की ने साडे पोजेसिव ऑब्जेक्टिव्स जेड़े साडा हक शो करते हैं जेड़े साडा हक शो करते हैं इन्हों तो बाद जदों भी थर्ड डिग्री आएगा
इज इक्वल टू नो यूज ऑफ द आर्टिकल, फिर असी कदे भी द आर्टिकल नू यूज नहीं करना। वापिस देखो साढ़े सेंटेंस की मिलिया सानू पोजेसिव एडजेक्टिव, केड़ा वर्ड माय, पोजेसिव एडजेक्टिव तो बाद की आ गया जी थर्ड डिग्री, जेड़ा द आर्टिकल असी लगाना ही लगाना होंदा थर्ड डिग्री दे नाल, ओ कदी भी नहीं आएगा, कटिया जाएगा, क्यों पोजेसिव एडजेक्टिव ते द आर्टिकल दी आपस च नहीं बनती, कई बार किसी नाल नहीं बनती होती तो आपां जाके नहीं बैठांगे, सेम ऐदा ही पोजेसिव एडजेक्टिव ते द आर्टिकल दी आपस नहीं बनती, सो इत्थे द कदी भी आके नहीं बैठेगा, ये उधर ही बैठेगा, कितने बैठेगा ही, कहते मैं तो बैठूंगा ही नहीं, जिथे बैठूंगा उथे मैं तो बैठूंगा, ठीक है। सो राम इज माई बेस्ट फ्रेंड इन माई क्लास, ठीक है। सो कदी भी जो थर्ड डिग्री तो पहला पोजेसिव एडजेक्टिव का कोई भी वर्ड आ गया, माई, हिज, हर, यूअर, देयर, आर, इट्स, इस तो बाद अगर थर्ड डिग्री आ गई नो यूज ऑफ द आर्टिकल, वैसे तो आप कहने जी थर्ड डिग्री तो पहला आप द लगाने, बट इस रूल च नहीं लगेगा, क्लियर। चलो रूल नंबर फाइव, रूल नंबर फाइव एक एग्जाम्पल की हेल्प ना समझो। चलो करो सोल, ऑप्शन है साढ़े को देखो, गुड, बेटर, बेस्ट, लगाओ जी की लगा रहे, गुड, बेटर, बेस्ट। राम इज द डैश ऑफ द टू बॉयज, हाँ जी सानू पता है कि गल कितने होगी द आर्टिकल दी, द आर्टिकल दिखा चुप करे की लगाना है थर्ड डिग्री लगाना है, क्योंकि द आर्टिकल ना हमेशा थर्ड डिग्री लगती है, बट नो गलत हो गया, पूरी इंग्लिश ग्रामर च दो ऐदा दे रूल्स ने जिथे असी द दे नाल सेकंड डिग्री भी लगा सकते हैं, वैसे आप कहने हैं जी द दे नाल हमेशा थर्ड डिग्री लगती है, द बेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द लगाने हैं थर्ड डिग्री नाल, बट इंग्लिश ग्रामर च दो ऐदा दे रूल ने, एक ए वाला एक होर है जिन्हें च असी द दे नाल हमेशा कई डिग्री लगानी है सेकंड डिग्री, कदों कदों, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जदों साढ़े सेंटेंस च सानू मिल गया कि ऑफ प्लस द प्लस टू, जो साढ़े सेंटेंस च सानू मिल जाएगा ऑफ प्लस द प्लस टू इज इक्वल टू की होएगा जी द दे नाल हमेशा ही केड़ी डिग्री सेकेंड डिग्री, रूल अच्छी तरह ध्यान नाल समझ लो, ऑफ प्लस द प्लस टू, पिछे नाउन दिता है नहीं दिता कोई मसला नहीं, राम इज द डैश ऑफ द टू बॉयज, राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, क्लियर। रीजन सुनो, इतने टोटल किन्ने लोगों की गल हो रही है, किन्ने सॉरी फार्मर्स की गल हो रही है, दो फार्मर्स की या तीन फार्मर्स की, इतने टोटल गल हो रही है दो फार्मर्स की, दोनों चो एक राम है दूजा सानू पता नहीं, एक राम है दूजा सानू पता नहीं, जो असं ये कहना चाहते हैं भी दोवे चो एक कंपेरिजन असी दो ही किया, एक का दूजे ना किया, बट दो चो एक सानू पता है दूजा पता नहीं केड़ा फार्मर है, ठीक है, उदो सेंटेंस ऐदा बनूगा, अगर ये वाला सेंटेंस ऐदा होंगे देखो, अगर ऐदा होंगे ऑफ द टू फार्मर्स राम इज द बेटर, तभी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्लियर। चाहे ऑफ द टू सेंटेंस दे शुरू चा जाए, चाहे ऑफ द टू सेंटेंस दे एंड चा जाए, द नाल हमेशा असी देवांगे सेकंड डिग्री, क्लियर, ठीक है। चलो मैं अगर बोला नेहा इज द डैश ऑफ द टू, दोनों चो नेहा की है, ऑप्शन देखो, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंटेलिजेंट, करो जी आंसर टिक करो, लगाओ जी की लगा रहे हो, पिछे नहीं दिता होया, गर्ल्स नहीं दिता होया, कुछ भी दिता होया, स्टूडेंट्स भी दिता होया, बट सानू पता है की मिल गया ऑफ द टू, द दे नाल हमेशा कई डिग्री सेकेंड डिग्री, इज इट क्लियर, ठीक है। नेहा इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू, टोटल वी आर टॉकिंग अबाउट दो गर्ल्स, दो गर्ल्स की गल हो रही है, दोनों चो एक नेहा है दूजी सानू पता नहीं,
अगर उसे सीधा कहें नेहा राधा नालो ज्यादा इंटेलीजेंट है, नेहा राधा नालो ज्यादा इंटेलीजेंट, फिर असं की लगाते, फिर असं फॉर्मूला लगाते जी अवला, नेहा इज बैटर या फिर मोर इंटेलीजेंट दैन राधा, नेहा इज मोर इंटेलीजेंट दैन राधा, सैकेंड डिग्री लगा के आप दैन लगा देंगे जो दोनों के नाम दिते हो। क्लीयर, आई होप कि वाले बेसिक रूल सू समझ आया सारा टॉपिक अज के लिए। सर तुम एक काम करना कि तुम्हारे दिमाग च ऑब्जेक्टिव वर्ड घूमना चाहिए, जिथे भी कोई चीज़ देखे उनकी विशेषता सोचनी शुरू कर दो। बाजार जा रहे हो, एक्टिवा जा रहे हो, सामने दिख गया जी रेड झंडा लाल झंडा, तो मतलब लाल वर्ड हो गया विशेषण। क्लीयर, साइकिल दिख गया फिर लग गया ब्लैक साइकिल है तो विशेषण हो गया। तो अज के दिन यही काम करो, दिमाग च अपने विशेषण घुमाओ, इतने इंग्लिश सीखो, अपने जूनियर्स की बुक लैके उन्हें विशेषण वर्ड पढ़ दो तो भी तुम्हें याद हो जूगा। ठीक है, इस क्लास च नहीं एंड इन रिलेटेड जी शीट मिलेगी उन्होंने प्रैक्टिस जरूर करना है, डाउट्स अपने जरूर शेयर कराया करो। क्लीयर, इस नंबर से 7504446660 इस नंबर से वट्सएप जरूर करो, जे तुम इस कोर्स च हो तो इस नंबर से वट्सएप जरूर करो। मिलते हैं सारे नेक्स्ट सैशन, बाय बाय, टेक केयर।